हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। यहाँ पर हो रहा है जी डिनर की प्रिपरेशन, जिसके लिए के बिरयानी बन रही थी और उसके लिए मसाला पहले से रेडी कर लिया था हमने, ताकि रात को जो है डिनर में हम लोगों को ज़्यादा काम ना हो। और क्योंकि आपको पता है कि बर्थडे थी और उसकी प्रिपरेशन में आपको पता है और भी तैयारियाँ करने में टाइम का पता नहीं चलता, और दिन जैसे कि सर्दियाँ तो छोटे हैं, तो सोचा कि चले कुछ काम जो काफ़ी हम लोगों ने ना दोपहर से स्टार्ट कर दिया और उसको जो है ना कर लिया, ताकि रात को हमें ज़्यादा बर्डन ना हो। तो यहाँ पर बन रही है बिरयानी, और बिरयानी के लिए बना रहे हैं मसाला, और मसाले में आपको पता है सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने रख दी चावल बनने के लिए, बॉयल हो रहे थे और साथ साथ बना रहे थे दही फुल्कियाँ, और वो भी बन रही थी। चावल बॉयल हो गए और मैंने उसमें फिर उसको तय लगा दी, एक तय चावलों की, एक तय उसकी मसाले की, और बस इसको लगा के मैंने सुकून से इसको दम पे लगा दिया, ताकि आराम से जो है ना इस ये काम, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए प्रोसीजर थोड़ा सा बंदा आराम आराम से कर ले तो आपकी जो है उसमें सेलिब्रेशन में भी परेशानी नहीं होती और आपका काम भी सुकून से होता है। यहाँ पे चावल मेरे पक गया, मैंने इनको रखा है साइड पर। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ फिश को फ्राई, जो कि मैंने मसाला पहले से लगा लिया था तकरीबन दोपहर में, मैंने इनको लगा लिया था मसाला, और मैंने लगा के इसको फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह से रैप करके। तो तवा फ्राई मैंने फ़िश बनाई, उसके बाद मैंने शामियां जो कि फ्रोज़न की थी वो भी मैंने पहले बना के रख ली थी, और अब मैंने इनको निकाल के स्पून से मैंने इनको फ्राई किया, और आराम से जो है सर्विंग के लिए मेरी जो है वो सारी तकरीबन प्रिपरेशन रेडी हो गई थी, और बस यहाँ पर खाने का ही वेट था। और हम लोग तकरीबन बस इसी में थे कि टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कि खाना भी रेडी हो गया था। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।